नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूँ आपके साथ भावना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक हिल यात्रा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दरअसल 7-8 से शुरू होने वाले इस पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है और इस हिल यात्रा में लक्ष्याभूत की एक झलक पाने के लोग बेताब नजर आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कुमाऊं की प्रसिद्ध हिल यात्रा में लक्ष्याभूत की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। आपको बता दें, बुधवार को लक्ष्याभूत के मैदान में आते ही जयकारे से पूरा प्रांगण मनमोहक हो गया। साथ ही इसी दौरान भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने भगवान शिव के गण लक्ष्या पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। इतना ही नहीं बल्कि नगर में सुबह से ही लोग हिल यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आए और मुख्य मैदान के आसपास 3 बजे से लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मैदान में जगह तक नहीं थी, इससे लोग मैदानों के चारों ओर बने घरों की छत पर चढ़ गए। करीब 5:45 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली हिल यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने आयोजक समिति की सराहना करते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वो हिल यात्रा देखने कुमाऊं पहुंचते थे। इसके साथ ही उन्होंने हिल यात्रा समिति को 5 लाख और मोस्ट मानव मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए 98 लाख रुपए देने की घोषणा की। हालांकि मुख्यमंत्री के वर्चुअल संबोधन के बाद करीब 6 बजे ढोल नगाड़े के साथ कोलबाड़ा से लक्ष्याभूत मुख्य मैदान की तरफ अपने 2 गणों के साथ रवाना हुआ। वो अपने शानदार अभिनय से लक्ष्याभूत ने आधे घंटे से अधिक समय तक लोगों को मंत्रमुग्ध किया और सभी को अपना आशीर्वाद दिया। साथ ही इसी दौरान हिल यात्रा के अन्य पात्रों ने भी शानदार अभिनय किया।